दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM बस्तर टोल प्लाजा पर गुस्सा है। किसानों ने हाईवे जाम कर दिया है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, पूरी तरह से हाईवे को जाम कर दिया है। सड़कों के बीच में किसान लेट गए, हाईवे को जाम कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सीधी तस्वीरें। इस वक्त आप देख रहे हैं बस्तर टोल प्लाजा पर हाईवे 44 को पूरी तरह से जाम कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था करनाल में, जिसके विरोध को ऐलान किया था किसानों ने। बस्तर टोल प्लाजा पर जब किसानों को घेरा तो एक रणनीति के तहत किसानों ने हाईवे 44 दिल्ली अमृतसर हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाईवे पर किसान नजर आ रहा है, पूरी तरह से जाम कर दिया है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि आज करनाल में पूरी कैबिनेट की बैठक थी, मुख्यमंत्री को स्वयं करनाल में पहुंचना था। सुबह से ही करनाल को चारों तरफ से सील कर रखा था, लिहाजा किसानों की करनाल के अंदर एंट्री नहीं हो पा रही थी, जिसके विरोध में हाईवे 44 दिल्ली अमृतसर हाईवे को पूरी तरह से, आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें, पूरी तरह से हाईवे को जाम कर दिया है। तमाम भारी तादाद में पुलिस बल पहुंच गई है। देखिए क्या घोषणा अधिकारी घोषणा कर रहे हैं। शायद उनको किसानों को चेतावनी दी जा रही है कि हाईवे को खाली कर दें, शायद चेतावनी दी जा रही है अधिकारियों की तरफ से। शेयर कीजिए ज्यादा। धारा 144 CRPC के तहत ये जो असेंबली है उसको लॉफुल करार किया जाता है, अनलॉफुल करार किया जाता है। ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद ये मजमा नाजायज करार किया जाएगा अथवा फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वार्निंग को फाइनल लें। धारा 144 CRPC के तहत ये असेंबली को अनलॉफुल करार किया जाएगा, ये मजरा को अनलॉफुल करार किया जाएगा। ये आखिरी चेतावनी है। देखिए जो है अंतिम चेतावनी अधिकारियों की तरफ से दे दी गई है, अंतिम चेतावनी दे दी गई है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त जो है किसानों ने जो हाईवे जाम कर रखा है, अधिकारियों ने अंतिम चेतावनी दे दी है और फोर्स जो है किसानों की तरफ बढ़ती है। रिटर्न ऑर्डर दिखाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें, टकराव की स्थिति है। एक तरफ किसान है, ये देखिए भारी तादाद में फोर्स जो है किसानों की तरफ बढ़ती हुई हाईवे को जाम कर रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक तरफ जो है किसानों ने हाईवे को जाम कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ अब देखिए किसानों को उठाया जा रहा है। देखिए टकराव की स्थिति, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों और अधिकारियों के बीच में, पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। हाईवे पर जाम कर दिया। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले 9 PM पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किसान सड़कों पर लेट गया है, सड़कों पर किसान लेट गया है। देखिए किस तरह से धक्का मुक्की, ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किसानों और अधिकारियों के बीच में जो है। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, चारों तरफ से पुलिस ने किसानों को घेर लिया है। ये सीधी तस्वीरें देखिए, देखिए किस तरह से जो है हरियाणा पुलिस के जवान और किसानों के बीच में सीधा इस वक्त जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस्तर टोल प्लाजा पर किसानों और पुलिस के बीच में ये देखिए, देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आमने सामने किसान और पुलिस जो है वो आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें ये देख सकते हैं।
सीधी तस्वीर है, इस वक्त आप देख सकते हैं उनको पकड़। इन पर लोकेशन रखा, कैमरा पकड़, मैं इसके ऊपर चढ़ू। यार लोकेशन है भाई साहब,